ये क्या नाम है इनका, कोई संतोष भाई हैं, संतोष रेणु जी। संतोष रेणु जी को भी मैं नमस्ते बोलता हूँ। कैसे हो भाई? ठीक है, आप क्या बातें करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आई डोंट केयर। आप किससे इन्फ्लुएंस हैं, आई डोंट केयर, नो बडी केयर्स। टीम टूम फलाना ढिमका ये सब आप समझाए मत कीजिए। आपसे दो तीन बातें होता है ना, सच्ची और कड़वी आपसे करता हूँ मैं, स्पेशली संतोष रेणु। ठीक है, मैंने ज़िंदगी में पहली बार आपको आज देखा भाई, पहली बार आपको सुना इनफैक्ट, और आपसे दो तीन चीज़ें पूछते हैं। और आप लोग जितने भी 146, 148, 150 लोग यहाँ पर जुड़े हैं मेरे से, आप सब लोग मुझे बताइए कि स्वर्गीय अमरजीत सिंह जी जो हैं, इनके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं, इनके बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खेसारी भैया ने इन दो बच्चों को गोद लिया था। आज अगर उन्होंने इनिशिएट लेके इन दो बच्चों के साथ नहीं आए होते तो आप में से किसी में से कोई भी जाना इनके बारे में। और ये संतोष रेणु भाई, अगर तुम्हारे को एजुकेशन सिस्टम, बच्चों की पढ़ाई या इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, कि बिहार की लिटरेसी रेट क्या है, आपको पता है कि बिहार में कितने बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाता है? और आप इतने घटिया मानसिकता के इंसान हो मेरे भाई, आप लाइव आते हो फेसबुक पे और वो बच्चे जिनका एग्जाम चल रहा है उनको आप अपने लाइव में लेके आते हो और उनसे क्वेश्चन पूछते हो, यहां से खत्म है आप? आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि खेसारी भैया ने फीस दिया नहीं दिया, कब दिया? क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था कि फीस मिल गया? क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था कि वो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं? क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था कि उनके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आई? क्या आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि वो बस से आते जाते हैं? लेकिन तुम्हें क्या करना, तुम्हें प्रचार करना था कि उस बच्चे को विद्यालय के परीक्षा में नहीं बैठने दिया जा रहा है, इस वजह से क्योंकि उस बच्चे का जो फी है वो, ये हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, उस बच्चे का वीडियो है। क्योंकि मैं नहीं जानता हूं फी कब तक दिया गया कब तक नहीं दिया गया। ये वो बच्चा स्वर्गीय अमरजीत जी का बच्चा, वो बच्चा आज वीडियो में बोला है इस बात को कि जैसे अगस्त 2019 तक का पैसा जमा हुआ था, उसके बाद का पैसा ड्यूज था और जिसके वजह से हमको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जा रहा है। तुम्हें वहां पे बेवकूफियत करनी थी और तुमने वही की। तुम स्कूल में जाते हो, तुमको याद होगा तुमने उस जो एक सर थे आपने उनसे बातें की, उन्होंने आपको बोला कि तुम भाई रिकॉर्डिंग मत करो, तो वहां तुम बातचीत करने के लिए नहीं गए थे, तुम वहां रिकॉर्डिंग करने के लिए गए थे। और मेरे सर, मेरे भाई, आप जो भी हैं, तुम दूर से वहां पे गए, उनके स्कूल में गए, क्या बच्चों के लिए 1 किलो मिठाई लाने के लिए पैसे नहीं थे तुम्हारे पास? काजू किशमिश बादाम लेके जा सकते थे उनके पास, लेकिन नहीं। ये आप पता है कब करोगे? जब खेसारी भी ऐसा कुछ करेंगे तो। सेकंड, पवन भैया दान करते हैं दान नहीं करते हैं ये पवन भैया का पर्सनल मैटर है ना, आप पवन भैया के मीडिया रिपोर्टर हो ना आप कुछ हो, ये अच्छी बात है। और हम लोग सबको पता है कि पवन भैया दिल के कैसे हैं, खेसारी भैया दिल के कैसे हैं या दिनेश भैया दिल के कैसे हैं, सब लोग अपना काम अच्छे से करते हैं। जब आपको पवन भैया ने बोला कि तुम इस चीज को प्रमोट मत करना, तुमने क्यों प्रमोट किया भाई? अब प्रमोट करने का तरीका ऐसा होता है, आप प्रमोट करने का तरीका ये देखो, आपको मैं बताता हूं कि बिहार में लिटरेसी रेट 70% है, यानी कि अभी भी 100 में से 30 बच्चे पढ़ाई नहीं किए रहते हैं। तुमको ले दे के यही दो बच्चे दिखे, क्या आप ये पहल करोगे कि बाकी बच्चों को गोद ले? आज अगर खेसारी भैया ये दो बच्चों को लेके एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, क्या आप बाकी लोग बैठ के बाकी बच्चों को एग्जाम्पल नहीं सेट कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते हो? लेकिन आपको वो करना नहीं है। आपको क्या करना है, खेसारी भैया ने क्या किया, क्या नहीं किया, क्यों किया, क्यों नहीं किया? अरे क्यों नहीं किया, तुमने क्यों दे दिया 10,000 रुपए? अगर 5,000 रुपए नहीं है, गाड़ी से गए होगे ना भाई, पेट्रोल भराई होगी ना या डीजल भराया होगा ना? छोटी मानसिकता की सोच है तुम्हारी। मैं कभी इस तरह की बात नहीं करता हूं मेरे भाई, लेकिन आपने ना हद कर दिया था, आज हद कर दिया है। आप ये प्रचार का तरीका होता है, किसी बच्चे जिनका एग्जाम चल रहा है उसके स्कूल पहुंच जाओगे? किसने क्या बोला प्रणव भैया की, खेसारी भैया की टीम से परनो ने फोन किया, परनो ने वहां क्या फालतू बात कर रहा था? परनो वहां पे फीस की बात कर रहे थे, उन्होंने जमा कराई। आप वही बताया, मैंने पहले ही बताया कि आपको इंपॉर्टेंट ये था कि किसी ने फीस कब जमा कराई। अबे जमा हुआ वो इंपॉर्टेंट होता है, कब कराई वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कब से बकाया है, अरे कब से बकाया, क्या बच्चों का एजुकेशन बंद हो गया? क्या बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं ना?
और दूसरी बात, अपने आप बोलते हो कि आज से 2 साल पहले मैं खेसारी भैया का बहुत बड़ा भक्त था, फैन था, आपको बोला था क्या उन्होंने फैन बनो मेरे या भक्त बनो? आज आपको पवन भैया ने बोला है क्या कि मेरे भक्त या फैन बनो? खुद ही बन जाना है मीडिया रिपोर्टर उनके। सपोर्ट करो, प्यार करो, सब कुछ करो, फालतू वाली चीजें मत करो। आपको कुछ पता होता नहीं है, आप हर चीज में कूद जाते हो और आपकी आपके ऊपर केस हो गया, क्या हो गया? अरे आपको डीआईजी डीएसपी जिससे ही बात हो गई हो, किसी की मानहानि करोगे तुम्हें कोई छोड़ देगा? किसी का मानहानि करोगे तो कोई छोड़ देगा तुम्हारे को? और कोई भी हो, किसी का भी नहीं होना चाहिए। इतना बुरा लग रहा था मुझे, सबसे गंदी काम आपने जो किया ना, स्कूल में जाके जो आप लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे वहां से लाइव आना, दूसरा काम किया करो भाई, लाइव नहीं आना चाहिए बार बार हर चीज के लिए। उनके घर चले गए, घर में जाके कुछ और हालत नहीं दिखते तुम्हारे को? वहां राशन है कि नहीं देखा एक बार किचन में जाके? वो बच्चे को बैठा के उस बेचारे से बोली नहीं निकल रही थी, उससे कुछ भी उगलवा रहे हो तुम? क्या चाहोगे, क्या मिल जाएगा? पवन भैया ने कभी ऐसा नहीं बोला कि तुम बेटा ये काम करो। पवन भैया ने आपसे जाके ये बोला होगा कि आप स्कूल जाओ, अगर वहां कोई प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व करूंगा। लेकिन तुमको उस बात को च्युइंगम की तरह खींच के इतना बड़ा करना था, तुमने कर दिया। जब जेब में भाई आपको सहायता करने की किसी की हिम्मत या औकात नहीं है ना, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। और मैं वापस बता रहा हूं, आज हम सब लोग मिलकर, यहां सुबह से चल रहा है ये पंचायत, कि वो दो बच्चे भाई, वैसे 2 लाख बच्चे होंगे बिहार में, उनके बारे में बात करो। ये दो बच्चों को और ऐसे पता नहीं कितने बच्चों को खेसारी भैया ऑलरेडी देख रहे हैं, और आपको इतना ठेका लेके बैठे हो ना, तो कल आओ आप, परसों आओ, एक बच्चों को, अरे आप चार यार, आपके लोग कितने बच्चों को आप टेक केयर कर रहे हो, कितने लोग का पढ़ाई कराते हो आप, ये बताओ। सिर्फ फालतू में ये दो बच्चों को पकड़ के आप एक काम ना करे, पढ़ाई करना है? क्यों नहीं लिस्ट बनाते हो आप, इतने लोगों की लिस्ट है? मैं ये पवन भैया को देता हूं, ये मैं खेसारी भैया को देता हूं, ये मैं दिनेश भैया को देता हूं, ये मैं किसी और को देता हूं। भैया आप सब लोग बिहार के स्टार हैं, आप ये दो दो बच्चों को गोद लीजिए। इस तरह करोगे तो 50 बच्चे का काम हो जाएगा, लेकिन तुमको वो करना नहीं है। तुमको क्या करना है, राजनीति करनी है फालतू के दो बच्चों पे, जिसका ऑलरेडी पिछले 1.5-2 साल से भैया ख्याल रख रहे हैं, तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे भाई। वो मैं चला गया स्कूल में तो ये आ गया, सुबह फीस आया है दोपहर, अबे फीस आया वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं? प्रिंसिपल से मिल लूंगा, इससे मिल लूंगा, उससे मिल लूंगा, क्या ये सब? टीचर से पूछ रहे हो फीस कब आया, वो इंपॉर्टेंट है तेरे लिए? कब आया कि नहीं आया? बच्चे बच्चों को पढ़ा नहीं दिया, ये कर दिया, सिर्फ हम लोग लॉजिकल बात करते हैं। और आपसे भी उम्मीद है ना कि लॉजिकल बात किया करो, आप सपोर्ट फुल ऑन करो। जितना आप पवन भैया करीबी हो ना भाई, उससे ज्यादा करीबी हम लोग हैं, उससे तो वापस मैं यही बता रहा था, जहां पे मेरा पता नहीं आवाज कहां तक गई, क्योंकि ना इतना गुस्सा आ गया ना अंदर, इतना गुस्सा आ गया ना, किसी को बदनाम करना, किसी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलना ना, एक लिमिट तक समझ में आता है, एक लिमिट के बाद वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आप कोई भी हो, किसी के बारे में भी एक लिमिट तक बकवास करनी चाहिए, उसके बाद बकवास नहीं करनी चाहिए। संतोष रेणु, अरे संतोष या संतोष क्या नाम है तुम्हारा, तुम इतने बड़े बकवासी आदमी हो यार। और मैं वापस बता रहा हूं, तुम्हारा बकवास वहां से खराब लगने लगा जब तुमने अपनी लाइफ में वो दो बच्चों को लेके आ गए। तुमसे अभी मैं पूछ लूंगा उनका सब्जेक्ट क्या है, तुम बता नहीं पाओगे। लास्ट एग्जाम में उनके मार्क्स कितने आए थे, तुम बता नहीं पाओगे। तुमको फीस का टेंशन है, फीस कब पहुंचा, कब पहुंचा वो इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, पहुंचा कि नहीं पहुंचा वो इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, फीस खेसारी भैया दे रहे हैं कि पवन भैया दे रहे हैं कि कोई और दे रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी फीस पहुंच रही है वो इंपॉर्टेंट है। ये तुम नहीं समझ पाओगे, 1000 रुपए का तेल जला के उनके स्कूल तक जाना तुम्हारे लिए ओके है, लेकिन उन बच्चों के लिए कोई भी सामान छोटा सा लेके जाना, एक छोटा सा गिफ्ट लेके जाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसमें प्रचार नहीं मिलता। उनको अपने लाइफ में लेके जाना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन उन बच्चों से यह पूछना कि आपको पढ़ाई क्या करेंगे। खेसारी भी अगर बच्चों से आके पूछेंगे ना, बाबू आपका एग्जाम सही चल रहा है, पढ़ाई अच्छी चल रही है, तब आप जाओगे, अरे खेसारी जी ने पूछा कि आप एग्जाम सही चल रहा है कि नहीं, इन्होंने ये नहीं पूछा कि जियोग्राफी में कितने नंबर आए थे, उन्होंने सिर्फ इंग्लिश का पूछ के छोड़ दिया। तुम लोग ऐसे नीच आदमी हो, ठीक है, ऐसे है वो, गाली करना है, गलौज करना है, घंटे में गया, फर्क नहीं पड़ता अपने को, समझा? हमको आपसे बस यही उम्मीद है। और बाकी भी कितने लोग हैं ना जो ये पंचायत फैला रहे हैं, ये रहता फैला रहे हैं, भाई बच्चों को अपने इन सब घटिया राजनीति, घटिया सोच से दूर रखो। उन बच्चों के पास तुम जिंदगी में कभी नहीं गए थे आज के पहले,
डेढ़ साल से साले तुम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ा था वो बच्चे हैं भी कि नहीं है। तुमको डेढ़ साल से अमरजीत सिंह स्वर्गीय जो है हमारे उनके बारे में कोई आज याद आ गया, आज तुम्हारे को याद आ गया कि फीस क्यों नहीं एडमिशन करा दिया तुमने वहां पर जाकर, क्यों नहीं एडमिशन करा दिया? ये दो बच्चे छोड़ो, क्या तुम मगध मगध कर रहे थे, मगध, सिवान, गोपालगंज, अबे वहां के एक बच्चे का भी एडमिशन कराया किसी स्कूल में? एक किताब, एक कॉपी खरीद के दी लेके चला गया होता, एक पेन 5 रुपए, तेरे से वो भी नहीं होएगा। इसलिए खेसारी भैया को टारगेट करना पहली बात तो बंद करो, एकदम बंद। तुम्हें आइडिया नहीं है भाई, आप अच्छी बात करो, आप ये बोलो कि ये बच्चे हैं, खेसारी जी आपने 2 बच्चों को क्यों लिया, आप 200 बच्चों को गोद लीजिए, उस पर बात करो, हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। आप ये बात कीजिए भैया कि बिहार में बाढ़ आया वहां पे आप आए हुए हैं, एक काम कीजिए यूपी में बाढ़ आया वहां भी चलिए, हम लोग उस पर काम करेंगे। अरे बाढ़ में सिर्फ केला क्यों नहीं दिया? अबे केला था वो इंपॉर्टेंट नहीं है? तुम ना हर चीज में तुम लोग नुस्ख निकालने वाले इंसान हो, फ्लॉज समझे तो फ्लॉज नहीं निकालते। और आपके वो जो नेता, नेतागिरी, क्या नाम उनको, तो नाम तक नहीं मुझे पता, जो आपके साथ वो जिनका आप नाम ले रहे थे, उनको भी समझाओ, नेता है तो नेता वाला काम करें, चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ने वाला काम करें, 2-4-10 बच्चों को वही पढ़ाएं, एजुकेशन सिस्टम में पूर्वांचल और भोजपुरी जगत की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और पल पल की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।